सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की कुछ फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे जो वीडियो है इसके अंदर मैं काफ़ी धीरे बात करने वाला हूँ, बिकॉज मैं हूँ फिलहाल यहाँ पे एयरपोर्ट पे एमिरेट्स लाउंज में और यहाँ पे काफ़ी शांति है। अगर मैंने जोर से बोलना स्टार्ट किया तो सभी को हो जाएगा डिस्टर्बेंस। दोस्तों ऐसे में फिलहाल जो है मैं जा रहा हूँ वापस कुआलालंपुर से दुबई और ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा। आपको मिलेगा व्लॉग उसका बहुत ही जल्दी। और अगर हमसे बात करता हूँ यहाँ पे पुराने पोल की, हमसे बात कर रहा था कि क्या आप रहेंगे इंटरेस्टेड स्पेस ट्रैवल में, तो आप में से 64% ने कहा कि जी हाँ भैया बिल्कुल, हमें डर नहीं लगता, हम निकल जाएंगे आगे। और बाकी बोलते हैं कि नहीं यार डरने की सी बात है, मतलब हमें थोड़े से स्केप्टिकल। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो है अपडेट स्पेस ट्रैवल वाले सवाल के तरीके से। मैं आज का सवाल आपसे ये है कि अगर इंडिया में दोस्तों आईफोन जो है वो एक अच्छी प्राइस रेंज में आता है, मतलब 35-40-50-55-60 हज़ार के आसपास, तो क्या आप एक नया आईफोन लेने में इंटरेस्टेड होंगे कंपेयर टू किसी एंड्रॉयड फ़ोन के? दोस्तों बताना ज़रूर क्या रहती है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कॉमेंट्स में। अगर आप जोड़ते हैं सारी बातों को एक साथ तो एक स्पेशल लाइक तो बनता है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है इसको शायद मैं ठीक से एडिट ना करूँ, बिकॉज मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करके आपको ठीक टाइम पे अपलोड करके दे पाऊँ। तो ऐसे में शायद आपको बीच में फोटोज ना मिले, शायद आपको बीच में हेडलाइंस ना मिले, ये लगातार तो चलती रहे बिल्कुल नॉन स्टॉप न्यूज़ की तरह है। आज की बात है मैनेज कर लेना, क्या करना होता है यार, कभी कभी ट्रैवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि ना मतलब मौका मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट हैं और मेरी फ़्लाइट का ये गेट बंद हो जाएगा तो फिर मैं ना तो बोर्ड कर पाऊँगा ना मैं दुबई पहुँच पाऊँगा। और उसी से पहले मेरे को करना है अपलोड, कैसे कैसे जुगाड़ लगा के एयरपोर्ट वाईफाई लाउंज का वाईफाई, मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट वगैरह, पता नहीं क्या क्या। उम्मीद है कि आज आप सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते हैं तो एक स्पेशल लाइक कर दीजिए। दूसरा पहला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे हमारे पास में वीवो Z3 को लेके। और यहाँ पे दोस्तों ये मालूम चलता है कि फ़ोन लॉन्च होने वाला है 17 अक्टूबर को और यहाँ पे दोस्तों इसमें होने वाला है स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर, साथ दोस्तों होगी यहाँ पे ड्यूअल टर्बो टेक्नोलॉजी। तो मतलब देखते हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसे काम करती है, और इंडिया में जो वीवो का Z3 है ये आता है कि नहीं आता है, और आता है तो कब तक आता है, और जब आता है तो किस प्राइस पर आता है। बिकॉज स्नैपड्रैगन 710 अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल प्रोसेसर है, और साथ में उसको जब लगाएगा यहाँ पे अपनी ड्यूअल टर्बो टेक्नोलॉजी को, तो मतलब ये पता नहीं किस तरीके से काम करेगी, शायद ये GPU टर्बो की तरह ही है। तो देखते हैं कि कैसा होता है ये नया आने वाला वीवो का Z3। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डेबल सरफेस फ़ोन को लेके। मतलब पेटेंट्स बहुत सारे दोस्तों आ रहे हैं सामने कि फ़ोन ऐसा होगा, फ़ोन वैसा होगा, मतलब भैया फ़ोन का स्क्रीन बेंड हो जाएगा, फ़ोन खुल जाएगा, पता है दोस्तों बहुत बहुत सारी चीज़ें आ रही है सामने। तो लगता है कि शायद ये भी बहुत जल्दी ही लॉन्च हो सकता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे सैमसंग के फोल्डिंग फ़ोन को लेके। और सैमसंग के दोस्तों CEO ने कंफर्म किया मिस्टर DJ कौन है कि ये जो फ़ोन है ये बिल्कुल फंक्शनल डिवाइस होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया और बाद में 6 महीने मार्केट से गायब हो गया। ये अपने आप में दोस्तों एक नई सीरीज़ होगी जो मतलब आगे चल के इसका मार्केट और ज़्यादा डेवलप होगा, और ये होगा दोस्तों बेसिकली एक ऐसा फ़ोन जो खुलने के बाद में बन जाएगा एक टैबलेट, या फिर सिंपल कहूँ तो एक टैबलेट जो फोल्ड होने के बाद में बन जाएगा फ़ोन। तो देखते हैं कि ये जो नया फोल्डिंग फ़ोन है सैमसंग की तरफ से ये कब तक आते हैं मार्केट में कमर्शियल यूजेज के लिए। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Xiaomi की तरफ से। और Xiaomi दोस्तों लॉन्च करने वाला है अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स, जहाँ पे है एक 65 इंच का टीवी, एक 58 इंच का टीवी, साथ में है एक 43 इंच का टीवी, दोस्तों साथ में है Xiaomi का लैपटॉप मी नोटबुक 15.6 इंचेस। लेकिन लॉन्च हो रहे हैं सारे के सारे चाइना में, बिकॉज इंडिया से Xiaomi को शायद इतना प्यार है नहीं, या फिर अगर है तो भैया सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में मिलते नहीं हैं। तो ये जितने भी लॉन्चेज हैं वो हो रही हैं सभी की सभी चाइना में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Essential की तरफ से। यहाँ पर मालूम होगा Essential फ़ोन के बारे में, और यहाँ पे Essential जो है वो एक नया फ़ोन लेके आने वाला है, और इस फ़ोन में दोस्तों AI जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जहाँ पे कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जो फ़ोन होगा भैया वो आपके मैसेजेस का अपने आप ही जवाब दे देगा। अभी अपने आप ही जवाब दे देगा का मतलब अपने आप रिप्लाई आपको सजेस्ट कर देगा या अपने आप भेज देगा या जो भी है, पता नहीं अभी क्या क्या होंगे स्मार्ट फीचर्स इस फ़ोन में। हालांकि जो Essential फ़ोन का फर्स्ट वाला फ़ोन था वो तो फ्लॉप सा ही हो गया था, कीमत मतलब आधी क्या बहुत ही कम कीमत उसको बाद में बेचना पड़ा था उस फ़ोन को। देखते हैं कि इनका नया फ़ोन कब तक आता है मार्केट में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Airtel की तरफ से। और यहाँ पर दोस्तों Airtel जो है भैया वो दे रहा है आपको एक थैंक्स का एक ऑफ़र, अगर आप हैं Airtel के प्रीपेड कस्टमर, अगर आप यूज़ कर रहे हैं काफ़ी समय से Airtel
को, तो मतलब अगर दोस्तों यहाँ पे आप लेते हैं कोई फ्लिपकार्ट से फ़ोन, तो आपको मिल जाएगा भैया फ्री 100 GB का बोनस डेटा, उसके अलावा यहाँ पे फ्री सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स वगैरह का। तो बेसिकली एयरटेल अपनी तरफ से आपको थैंक यू बोलने के लिए ये सभी चीज़ें ऑफर कर रहा है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Xiaomi की तरफ से। रिपोर्ट्स कहते हैं कि Xiaomi लॉन्च करने वाला है 15 अक्टूबर को Mi Mix 3। हाँ, ये हो सकता है कि Xiaomi लॉन्च कर देगा 15 अक्टूबर को Mi Mix 3। दोस्तों यहाँ पे एक और रिपोर्ट ये बोलते हैं कि इसमें होने वाला है Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर 855 15 अक्टूबर को Xiaomi के फ़ोन में। क्या कहते हो, पॉसिबल होगा कि नहीं? अभी तक तो Qualcomm ने भी जिक्र नहीं किया है यार, देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Amazon Echo Plus और Amazon Echo Dot को लेके। और यहाँ पे दोस्तों ये जो नए वाले वेरिएंट्स हैं इंडिया में लॉन्च हो गए हैं, जहाँ पे दोस्तों Echo Plus की कीमत है करीब 15,000 रुपये और Echo Dot मिलता है करीब 4,500 रुपये के आसपास। तो मतलब Alexa है, अगर आपको है प्यार तो बोलो है Alexa, कर दीजिए आपके सारे के सारे काम पूरे। और यहाँ पे दोस्तों इंडिया में हो गए हैं लॉन्च। देखिए मुझे बताइए कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही किसी स्मार्ट स्पीकर में या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे 2018 iPad Pro लाइनअप को लेके। और यहाँ पे दोस्तों कुछ लीक सामने आए हैं कि भैया जो iPad Pro लाइनअप है वो शायद बहुत जल्दी सामने आ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो Apple की A12X चिप है वो भी लीक हुई है, जो कि काम में ली जाएगी डेफिनेटली नए iPad Pro लाइनअप में। तो देखते हैं कि कौन कौन से iPads आते हैं, 12.9 इंचेस का होता है या 10.7 इंचेस का होता है या 9.7 इंचेस, मतलब कितने सारे iPad हुए हैं, कितने सारे iPhone हो गए हैं। और अभी तो एक नया iPhone भी आने वाला है iPhone XR, उसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे WhatsApp की तरफ से। और WhatsApp Jio के साथ मिलकर दोस्तों सड़क सड़क पे जाके यहाँ पे जो करने वाला है नुक्कड़ नाटक, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँच पाए फेक न्यूज़ के बारे में कि भैया फेक न्यूज़ क्या है, क्या नहीं है, क्या सही होता है, क्या नहीं होता है, कैसे WhatsApp को यूज़ करना। दोस्तों यहाँ पे तरह तरह की जो स्किट्स हैं उनको परफॉर्म करने वाला है स्ट्रीट्स पे, ताकि लोग जागरूक हो जाएं इसी सब फेक न्यूज़ के मामले में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे गूगल होम को लेके। और यहाँ पे दोस्तों गूगल होम हमें उसके अंदर कुछ नए अपडेट्स आए हैं। और इसके अलावा जो गूगल असिस्टेंट है वो भी अगर आपका फ़ोन अनलॉक्ड नहीं है तो भी एटलीस्ट जवाब दे देगा, आपसे कुछ बेसिक लिमिटेड बात कर पाएगा, वरना अभी तक आप जानते हैं दोस्तों पॉसिबल नहीं था। अगर आपका फ़ोन लॉक्ड पड़ा है तो आप बोलोगे हे गूगल, तो वो एक्टिवेट तो होगा, लेकिन अगर आपका फ़ोन लॉक्ड है तो जब तक आप उसको अनलॉक ना करें आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। तो वो अपडेट अभी आ गया है जहाँ पे आप उससे कुछ लिमिटेड सवाल जवाब कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन लॉक पड़ा है तो भी। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से। और फ्लिपकार्ट जो है भैया बहुत जोश में है अभी इस बिग बिलियन डे सेल को लेके। बोल रहे हैं फ्लिपकार्ट की सेल बड़ी ज़बरदस्त हो रही है और बहुत अच्छे फ़ोन जो है वो बिक रहे हैं, और पूरे जो कंप्लीट जो लाइनअप है वो काफ़ी अच्छा बिक रहा है। और ऐसे में जो अमेज़ॉन है उसके दोस्तों अगर करते हैं कॉम्पिटिशन, तो बोलते हैं फ्लिपकार्ट के मतलब अमेज़ॉन जो है वो इतना कुछ रेलिवेंट अभी रहा नहीं, लेकिन फ्लिपकार्ट जो है उसके अंदर काफ़ी धूमधड़ाका हो रहा है बिग बिलियन डे सेल को लेके। तो आप मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में कि आपने ज़्यादा शॉपिंग कहाँ से की, फ्लिपकार्ट से या फिर अमेज़ॉन से, और कुछ ज़्यादा अच्छी डील्स कहाँ पर मिली, फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन पे। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे इंडिया की तरफ से। और यहाँ पर दोस्तों इंडिया में जो अभी इंपोर्ट टैरिफ्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेके, वो अभी थोड़े से और बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये कि शायद जो स्मार्टफोन्स हैं वो थोड़े से और महंगे होने वाले हैं। अभी डिटेल दोस्तों क्या है, कैसे हैं, कब से होगा एप्लीकेबल, वो सब आपको बताऊँगा बहुत ही जल्दी। लेकिन फिलहाल दोस्तों एक हिंट है कि शायद अभी इंडिया में जो भी दोस्तों टैरिफ है इंपोर्ट्स के ऊपर वो बढ़ने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ऊपर। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे फोर्टनाइट को लेके। और अगर आप दोस्तों एक एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर आपको खेलना है गेम फोर्टनाइट, तो भी बिना इनवाइट के अवेलेबल है, जिसके बाद में आप बड़े आराम से सीधे इसको डाउनलोड करके खेल सकते हैं और ऐसे में एंजॉय कर सकते हैं। मतलब पबजी तो काफ़ी पॉपुलर है ही, लेकिन अभी आप फोर्टनाइट को भी खेलेंगे तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो एंजॉय कर पाएंगे। इसमें दोस्तों बात जाती है फोर्टनाइट की, मैं फोर्टनाइट से मिलता जुलता या क्या पता फोर्टनाइट के लिए ही कुछ इंटरेस्टिंग काम करने वाला हूँ इस साल के एंड तक। कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, एक बहुत ही कमाल सरप्राइज़ है, थोड़ा गेस करो क्या होता है और आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल्स बहुत बहुत जल्दी। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने को बताने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ दर्द रहा हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इससे वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।